नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी जनता की आवाज। मैं साजन कैमरामैन विकल कुमार के साथ आज मैं मौजूद हूं कैमूर जिला के मोहनिया प्रखंड उसरी पंचायत उसरी गांव में। यहां के विजयी मुखिया रंगलाल पासवान जो कि अपने प्रतिद्वंदी बनारसी राम को 102 वोटों से हराकर ये जीत हासिल किए हैं। तो अब मैं जानना चाहूंगा उनसे कि अपने पंचायत की जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं, क्या बधाई देना चाहते हैं और विकास के बारे में क्या उनका सोच है। आइए, बीआरजी टीवी में सभी लोगों का स्वागत है, अपना परिचय बताइए। सबसे पहले नमस्कार प्रणाम, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं रामलाल पासवान उसरी पंचायत अभी मुखिया आपसे जीता हूँ चुनाव 102 वोटों से बनारसी राम को हरा करके। और मेरा सोच है कि जनता ने हम पे भरोसा किया है तो उस भरोसे पे हम खड़े उतरने का प्रयास करेंगे और उस भरोसे को पूरा 100% उस पर तत्परता के साथ हम उसका विकास करेंगे। और हमारा प्राथमिकता है कि इस पंचायत में पंचायत भवन हो, हम लोगों का पंचायत सरकार भवन हो, नली गली हो, बेहतर हो, यहाँ पढ़ने के लिए बच्चों को जो है विद्यालय का व्यवस्था हो, लाइब्रेरी का व्यवस्था हो, खेलने के लिए ग्राउंड का व्यवस्था हो। हर संभव प्रयास करेंगे कि यहाँ पे बच्चों का उज्ज्वल भविष्य का इस पंचायत का कामना करता हूँ मैं। आपके पंचायत में बहुत से ऐसे कार्य जो है अधूरे हैं, गली नली, इसके विषय में आपका क्या सोच है? मेरा प्राथमिकता है गली नली का। आप जो है कि हमारे कार्यकाल में हर संभव प्रयास रहेगा कि गली नली का कार्यकाल इस बार समाप्त हो जाए और बेहतर ढंग से सुचारू रूप से इस कार्यकाल को चलाया जाए और नली गली का 100% काम स्वस्थ हो। आप युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं के बारे में आप क्या सोच है? मेरा युवाओं के प्रति सोच है कि युवा बहुत बेरोजगार हैं, हम लोग सोचेंगे कि भाई पंचायत में कुछ उनको रोजगार दिया जाए। मेरा प्राथमिकता है, युवाओं के प्रति मेरा रुझान है। आप अपने पंचायत की जनता को जीतने के बाद क्या बधाई देना चाहते हैं? ये जो जीत है जनता की जीत है और मैं सबसे पहले सभी जनता को प्रणाम, मेरा नमस्कार, पूरे पंचायत वासियों को मेरा नमस्कार है। मुझ पर भरोसा दी किया है पंचायत ने तो उस पंचायत में मैं खड़े उतरने का प्रयास करूंगा और सबको आश्वस्त कर देता हूँ कि ये पंचायत जो है और ये कार्यकाल जो है 21-26 आज तक से सबसे बेहतर पंचायत का कार्यकाल रहेगा। धन्यवाद। तो अब मैं यहाँ पे मौजूद जो प्रस्तावक हैं, सपोर्टर हैं, मन से उनसे जानना चाहूँगा कि क्या खूबियाँ क्या अच्छाइयाँ देखकर रंगलाल जी का आप लोग चयन किए हैं, उनके बारे में जरा बताइए। हाँ, रंगलाल पासवान जो है, ये जो है गांव में कोई भी बहुत बीमार पड़ जाता है, कहीं पंचायत में कहीं भी, वहाँ जो है वो जाते हैं, उनके दुख सुख के हित में जो है काम करते हैं। कितना दिन से होता है गाड़ी घोड़ा से नगर जाना हो या डॉक्टरी में जाना हो, इसकी मदद करते हैं। धार्मिक स्थल में वो जो है रंगलाल पासवान जो है मंदिर में अपना टाइम जो है बिताते हैं जनता के बीच में। इसके बीच में जो है पोखरा है, तालाब है, नली गली है, सड़क है। ये जो है सोचते हैं कि इस गांव से जो है पंचायत का जुड़ान जो है मुबारकपुर और महरो और सुपरिया, यही भरोसा पर जो है इनकी जीत जो है हुई है। धन्यवाद। और कोई अच्छे कार्य जो कि इसके पहले किए हों उसके बारे में आप बताइए, अपना नाम बताइए। मैं संतोष कुमार सिंह, ग्राम उसरी पोस्टर रोटी से। मैं रंगलाल पासवान के जीत के लिए बहुत सा मतलब कि लोगों को समझाया बुझाया हूँ कि बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, ये पहले से भी समाज में बहुत अच्छे समय देते थे लोगों को समझाना बुझाना, हर तरह का कोई भी काम हो, ब्लॉक का हो या बैंक का हो या कोरोना काल में किसी को भी मतलब कि कोई दिक्कत हो जाता तो उसके स्वास्थ्य तक मतलब स्वास्थ्य पंचायत तक ले जाना इनका प्राथमिकता था। ये कोरोना काल में अपने पैसे से पूरा सैनिटाइजर पूरा पंचायत में करवाए, ये लोगों ने हम लोगों को चुनाव प्रचार में बहुत सा अच्छा सपोर्ट मिला इसका, इसके यही बात करके मैं विराम करूँ। इसी के द्वारा जी धन्यवाद। जीतने के बाद आप अपने जनता से कोई वादा किए हैं, आप उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? सिंचाई को लेकर के वादा था जो कि सिंचाई का समस्या हमारे पंचायत में बहुत दिनों से रहा है और हमारे गांव में जल जमाव की स्थिति रही है और इस स्थिति पे मैं चाहूँगा कि अगर मैंने वादा किया था कि मैं अगर आ जाता हूँ चुनाव में तो इस बार जल जमाव की स्थिति को मैं समाप्त कर दूंगा और पूरे पंचायत को सींचने का काम करूँगा। और मैंने वादा जनता ने हम पे भरोसा किया और मैं इस वादे को पूरे करने जा रहा हूँ और इस स्थिति को मैं जड़ से खत्म करके रहूँगा। धन्यवाद।